वीडियो स्टार्ट हो गई। सर कुछ आज बताएंगे, खतरनाक पढ़ाई होगी, हम टॉप कर जाएंगे। क्यों, कब तक दूसरों पे डिपेंड करोगे मोटिवेशन के लिए? यूट्यूब खोलोगे, चार मोटिवेशनल वीडियो देखोगे, खुश हो जाओगे, दो घंटे पढ़ाई करोगे, फिर नया मोटिवेशनल वीडियो। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया, लाइफ में कुछ करना है। अगर ऐसा है तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? हमको आपसे, आप जो सामने बैठे हो, आप एक स्टूडेंट से हमें कितना फर्क पड़ेगा? हमें या बाकी यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं, वो आपके बारे में क्यों सोचेंगे? थोड़ा सा तो दिमाग है, लॉजिक लगाओ। मैंने एक वीडियो में तुम्हें बताया कि मोटिवेशन को अपनी हैबिट बनाओ, तुम्हारी सांसों में मोटिवेशन हो, हर पल तुम्हारे दिमाग में चले कि तुम्हें क्या करना है लाइफ में। नहीं, दोस्तों से बातें, मोबाइल पे चैटिंग, इस बंदी का मैसेज, उस बंदे का मैसेज, उसने ये कहा, आज ये हो रहा, वीडियोस देख रहे हैं नए नए, ये मूवी आ रही, ये गाना है और उसके बाद एक मोटिवेशनल वीडियो, यस कुछ करके दिखा देंगे, इस वीडियो को देखकर 3 मिनट में अपनी जिंदगी बदले बड़ा मजा आता है, मैंने देखे ऐसे वीडियोस, 3 मिनट में जिंदगी बदल दें, एक दिन पहले एग्जाम के पढ़ें और पाएं 95%। वाह भाई, ऐसे ही होता है ना, मजा बहुत आता है। मैंने भी 2-3 मोटिवेशनल वीडियो बनाए, हाउ टू स्टडी लिखता हूं, अपने आप व्यूज आने स्टार्ट हो जाता है। मतलब मैं 50-50 मिनट खड़े होकर लेक्चर पढ़ा रहा हूं, उसे कोई नहीं देख रहा। हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड, यस आओ कुछ पता चलेगा, यही बंदा जिंदगी बनाएगा। क्यों भाई, वो तुम्हारी जिंदगी क्यों बनाएगा? तुम बनाओ अपनी जिंदगी, एक लाइफ है, ये बात समझ लो यार, एक लाइफ, हर मिनट इंपॉर्टेंट है, हर मिनट। तुम्हें 12-12 घंटे, 13-13 घंटे पढ़ाई करनी है और तुम पढ़ रहे हो 6 घंटा, वो भी ऑल्टरनेट डे। एक दिन 6 घंटा पढ़ते हो, 2 दिन उसको सबको बता रहे हैं, उसका बौकाल मार रहे हैं कि हाँ यार उस दिन मैं 6 घंटा पढ़ा, और 2 दिन पढ़ाई नहीं उसके बाद, क्या फायदा ऐसे करने से? हैबिट, 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 सक्सेसफुल होना है तो हैबिट। अभी समय बाकी है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स खोलकर देखो, लोगों ने क्या क्या कर रखा है जिंदगी में, तुम कितनी छोटी बात के लिए 10 मोटिवेशनल वीडियो पे घूमते रहते हो। लोग पूरी पूरी डायरेक्टरी जिसमें 1,000, 2,000, 10,000 लोगों के फोन नंबर है उसको याद कर लेते हैं, लोग पूरी डिक्शनरी याद कर लेते हैं, तुम ये 6-7 पतली पतली बुक नहीं कर पाओगे। सुबह नहीं उठ पाते सर, सुबह 10 बजे नींद खुलती है, उसके बाद 1 घंटा बिस्तर पे पड़े रहते हैं, मोबाइल चलाते हैं, सर क्या हुआ देखें आज, पता चले यहाँ क्या हुआ वहां क्या हुआ, करते रहो यही, पता जिंदगी भर यही करना कि उसके घर में क्या हुआ, उसने क्या कहा, उस दोस्त को कौन मिला, उनका ब्रेकअप हो गया, पड़े रहो इन्हीं सब चक्कर में लाइफ भर पड़े रहो। फिर फोकस, फोकस अपने काम पे फोकस। सुबह उठना है ना जल्दी, लगाओ सुबह 6:45 का एक अलार्म, एक 7 AM का, 2 अलार्म लगाओ बस, 10-10 अलार्म नहीं कि बार बार स्नूज स्नूज स्नूज, 2 अलार्म 6:45 7 का 2 अलार्म लगाओ। मोबाइल को फ्लाइट मोड पे लगा के अपने से थोड़ा सा दूर रखो, इतना दूर रखो कि हाथ ना पहुंचे वहां बिस्तर पे लेटे लेटे, वरना वहीं से ऑफ कर दोगे। इतना दूर रखो कि उठना पड़े, उठकर जाना पड़े, मोबाइल को ऑफ करना पड़े, अलार्म को बंद करना पड़े। सुबह उठते ही अपना बेड एकदम साफ कर दो, एकदम साफ, उठते ही बेड को ऐसा बना दो कि उसमें वापस ना लिटा जा सके, खत्म उसका यूज, खत्म सुबह उठते ही। सुबह हो गई, सक्सेसफुल बनना है सर, लाइफ में कुछ करना है, फोड़ के रख देना है, कब आएगा समय? आ गया, कोई बात नहीं सर, पेपर में क्या होता है, नंबर थोड़े कम आएंगे, नंबर पाके भी लोग सक्सेसफुल होते हैं, कितना झूठ बोलोगे यार, नंबर तो पाओ पहले, फिर छोड़ देना, फिर कुछ और करना जो तुम्हें मन हो। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, झूठ, तुम मेहनत नहीं करना चाहते यार। अगर कोई
15 घंटे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहा है तो उसका ये शौक नहीं है, वो कुछ करना चाहता है और उसे ये रास्ता मिल गया है पढ़ाई का जो कि श्योर है। सेफ तो रहो पहले। जो इंसान खूब पढ़ाई करता है वो अनसक्सेसफुल नहीं हो सकता। हाँ, कोई कुछ और करके सक्सेसफुल हो सकता है, पर जिसने बहुत पढ़ाई कर रखी है, बहुत समझ रखा है, वो अनसक्सेसफुल। एक सेफ रास्ता तो मत छोड़ो, नंबर ले आओ, फिर जो करना हो करना लाइफ में। तब तुम ये कहोगे कि ये जो भी मैं कर रहा हूं लाइफ में ये मेरी चॉइस है, ये मेरी मजबूरी नहीं है। तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने नंबर लाए हैं पढ़ के अपने आप, मैं लाइफ में कोई भी काम स्टार्ट करके उसके एंड तक जाकर सक्सेसफुल हो सकता हूं। रात को नींद नहीं आती सर, लेटते हैं मोबाइल चलाते हैं। क्यों चलाते हो मोबाइल? क्यों? बंद करो उसको, फ्लाइट पे लगाओ उसको, दूर रखो। क्या सोचें फिर? सोचो अपनी जिंदगी के बारे में, कुछ करना है ये सोचो, एक लिस्ट बनाओ, ये पांच चीजें कल पढ़ के खत्म करनी है, करनी है, करनी है, करनी है। स्टीव जॉब्स की एक लाइन है, मतलब ये सब मोटिवेशनल बातें हैं, स्टीव जॉब्स की लाइन है कि हर दिन सुबह उठ के शीशे में देखो और खुद से सोचो कि ये मेरा आखिरी दिन है, दिस इज द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ, मैं जो भी कर सकता हूं आज के दिन में कर जाऊं, क्योंकि क्या पता कल सुबह हो ना हो। यही बातें तुमको यूट्यूब पे सब लोग बता रहे हैं, तुम बड़े खुश हो रहे हो, उनको तुमसे मतलब नहीं है। ऐसे वीडियोस बनाते हैं हम लोग और यार क्या व्यूज मिलते हैं, क्या पैसे, वाह वाह बहुत बढ़िया। क्यों यार ये सब क्यों करें? हमको फिजिक्स पढ़ाना है, हमको केमिस्ट्री पढ़ाना है, हम वो करेंगे। 3 मिनट में कोई आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। समझदार हो ना, हो कि नहीं हो? एकदम दिल खोल के आपसे सारी सच्ची बातें कर रहे हैं। रात में जब नींद नहीं आए तो ऐसा करो कि ये सब चीजें ढूंढो ना कि कैसे सो सकते हैं। जैसे नींद नहीं आए तुम दिमाग में शिप गिनना स्टार्ट कर दो, सफेद सफेद शिप, सफेद सफेद भेड़, एक भेड़, दो सफेद भेड़, 3, 50, 60, 60, 80 तक पहुंचोगे नींद आ जाएगी। एक ही चीज रिपीट 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 होती रहेगी, नींद आ जाएगी आंख बंद करके। बस ये सोचो, बढ़िया सो गया रात में 12 बजे, सुबह उठ गया 7 बजे, अब पूरा दिन पढ़ो। सर कैसे पूरा दिन पढ़ें, मन नहीं लगता। टू डू लिस्ट बनाओ, अपनी आंखों के सामने रखो कि तुम्हें ये पाना है, इसके बाद ये पाना है, और उससे वो मिलेगा जिंदगी में जिसके लिए तुम ये वीडियो ऑन करके बैठे हो। टू डू लिस्ट बनाओ, ये 4 चीजें हैं। टू डू लिस्ट को रात में सामने चिपका कर सो, रात में सामने दीवार पे लगा के सो कि आंख खुले तो वो दिखे। जैसे ही अलार्म बजे ना दिमाग में गिनो 5, 4, 3, 2, 1, जंग जारी हो गई, गेम स्टार्ट हो गया, बैटिंग आ गई। 5, 4, 3, 2, 1। मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता सकता हूं, और किसी का कैसे बताऊंगा। मैं अपना बताता हूं कि मैं बचपन में ठंड के टाइम नहाने से बहुत डरता था कि कैसे नहाऊं, ठंडा पानी ठीक है, प्रॉब्लम था मेरा। तो मैं बाथरूम में जाता था और 5, 4, 3, 2, 1 और नहाना स्टार्ट। आ गया समय, करना है 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा पढ़ना है। एक बार नंबर लेके आएंगे, खुद को ये साबित करेंगे कि हमने कर लिया, किसी और को नहीं, खुद को। एक लाइफ है, एक बार एग्जाम, ये वाला जो भी सामने है ये एक ही बार आएगा, बार बार नहीं आएगा ये पेपर। इसमें खुद को प्रूफ करना है, समय आ गया, खुद को प्रूफ करना है। सर बहुत बड़ा सिलेबस है, अब रिविजन हो ही नहीं पा रहा, अब तो डर लग रहा है हर वक्त। इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ो, कोचिंग गए होगे, स्कूल गए होगे, लोगों ने, टीचर्स ने बताया होगा ये आता है पेपर में, पढ़ो उसको। नहीं समझ में आता, यूट्यूब खोलो, सर्च करो, जितना मैं कर सकता हूं मैं करूंगा, बाकी लोग भी हैं, ढूंढो मटेरियल्स, पढ़ो हर तरफ से, किसी को पकड़ो, शर्मा क्यों रहे हो? नहीं समझ में आ रहा, याद कर लो। नहीं, हमें याद नहीं होता, ये सब बहाने कब तक दोगे, किसको दोगे, खुद को। कल जब लाइफ में तुम कुछ और करने जाओगे, पढ़ाई से रिलेटेड या पढ़ाई से नॉट रिलेटेड, सक्सेसफुल होना चाहोगे, जब भी तुम लाइफ में कुछ करना चाहोगे, तुम्हारे पास हमेशा ये चॉइस रहेगी कहने की कि इस काम में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। ये तो बहाना है ना,
मैं ये काम करके दिखाऊंगा, मैं ये काम करके दिखाऊंगा और तब बोलूंगा कि इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं, अब मैं ये नहीं करूंगा, पहले मैं अचीव तो करके दिखाऊं। बच्चों कहीं मोटिवेशन नहीं, मोटिवेशन तुम्हारी सांसों में है। जिस तरह से तुमको सांस लेने की जरूरत होती है, उस तरह से तुम्हें सक्सेसफुल होने की जरूरत जब महसूस होगी, जब तुम्हें लगेगा यही जिंदगी है और यही मुझको अब कुछ करके दिखाना है, जितने लोगों ने मुझको हमेशा नहीं समझा, मुझको हमेशा कमजोर समझा, फेलियर समझा, उनके सामने आंख से आंख मिला के खड़े होना है, क्योंकि जिंदगी एक ही है। हम करके दिखाएंगे सर, लाइफ में आगे कुछ बन के दिखाएंगे। तुम बहुत बड़े हो गए हो, तुम रियलाइज नहीं कर रहे हो, तुम बहुत बड़े हो गए हो। पता है लड़ाई सामने आ गई और तुम अब डर रहे हो, तुम कह रहे हो कि नहीं ये वाली नहीं, हम अगली लड़ाई में लड़ेंगे। Who knows? शीशे के सामने देखो, क्या पता ये आखिरी दिन है जिंदगी का। आज नहीं जीते तो कल किस उम्मीद से लड़ोगे यार, पिछली लड़ाई हार के बैठे रहोगे। ऐसी टीचर का काम क्या है, ऐसे ही कुछ बातें कर दें और आप मोटिवेट होके चालू हो जाएं। पर कब तक हमारा आपका साथ ही कब तक है, या किसी का भी यार। आज बहुत दिल ओपन करके बात कर रहे हैं, एग्जाम बहुत पास में है। हाँ दिल से तो यार हम बहुत चाहते हैं कि हर बच्चे के नंबर बहुत अच्छे आए, क्यों नहीं चाहेंगे यार, है ना। छोटे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो, थोड़े गंदे बच्चे हो, कोई बात नहीं, सुधर जाओगे। तुम्हारा मोटिव साफ है कम से कम जिंदगी में, नहीं है तो साफ करो। मोटिव साफ है कि नहीं, अच्छा काम करना है, कुछ करके जाना है वर्ल्ड के लिए, और उसके लिए पहले कुछ बनना पड़ेगा भाई। अगर तुम खुद किसी लायक नहीं रहोगे, दूसरों की क्या मदद करोगे। हमारा सबका एम यही है कि कुछ करके दिखाना है, और उसके लिए आप वीडियोस देख रहे हो दूसरे बंदों के, जो आपको बताएंगे कि खुद करके कैसे दिखाना है। बात कर रहे हो दोस्तों से, ग्रुप स्टडी स्टार्ट कर दी अब तो तुमने, पेपर के पहले पांच पांच दोस्त बैठ गए, एक ग्रुप स्टडी। क्या होता है ग्रुप स्टडी में, मुझे नहीं पता, क्या आपको नहीं पता, क्या दिल से पूछो अपने, क्या होता है ग्रुप स्टडी में। सारी रात बातें, पूरे टाइम बातें, चार घंटा बीत जाता है, वो टॉपिक भी नहीं पढ़ पाए जो खुद को आता था, उल्टे 10 नए टॉपिक उन्होंने तुमको दे दिए, कुछ उन्होंने तिघा मेढ़ा फिर समझाया, बड़ी खुशी हुई आपको, और आपने अपना टॉपिक भी रिवाइज नहीं किया। साल भर की बातें की, याद है उस दिन क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ, कर लिया तुमने साल भर जो करना था कर लिया, हटा उसको। मैं हमेशा बोलता हूं कि सेट टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो, मेरे गुरु का कहना है ये भी, अब वीडियो में नाम नहीं बता सकता। उन्होंने भी कहा है कि जब भी जिंदगी में सब खराब होने लगे ना, सेट टाइम इज इक्वल्स टू जीरो। आज जिंदगी शुरू हुई है, टी इज इक्वल्स टू जीरो, अभी वीडियो बंद करते हुए स्टार्ट करो, यहां से समय देखो आगे कैसे जाना है। यार कितने सक्सेसफुल लोग होते हैं 26 एज में, दे डाई 26-27, कर लिया उन्होंने 26 साल में जो करना था। तुम भी आ गए हो यार, कितनी उम्र हो गई तुम्हारी, 15-16-18, कब करोगे। सर आज करेंगे, वीडियो बंद करेंगे, लग जाएंगे, फिर रात में फिर यही हाल होगा। तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, तुम दुनिया के सामने एग्जाम्पल बनोगे, तुम खुद, कोई और नहीं जिनके वीडियोस तुम देख रहे हो, तुम एग्जाम्पल बनोगे। तुम्हारी अपनी एक इंडिविजुअल स्टोरी होगी सक्सेस की, जो तुम लोगों को बताओगे मैंने ये किया। अपनी स्टोरी तुम्हें लिखनी है, तुम्हें खुद सोचना है मैं कैसे सुबह 4:30 बजे उठ जाऊं, रात के 12 बजे तक पढ़ू, 11 बजे तक पढ़ू, 6 घंटे से ज्यादा ना सो, 6 घंटे से ज्यादा ना सो, जब तक जगूं अपना काम करूं, हर वक्त हर पल मेहनत करूं कि रात में सोते वक्त खुशी हो मुझको कि यार मैंने किया लाइफ में कुछ। दूसरे दिन शीशा देखने का मौका नहीं मिले, क्या पता। तो तुम्हें ये अचीवमेंट ये दिल में रहे कि हाँ यार मजा आ गया लाइफ में, मैं कर रहा था, लास्ट मोमेंट तक मैं ट्राई कर रहा था, मैं गिव अप करके नहीं जा रहा दुनिया से, मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो, बस ये तो यार जिंदगी है, किसको भरोसा है, क्या हो बच्चों। हम या YouTube पे बैठा कोई बंदा आपकी लाइफ को अच्छा नहीं कर सकता ना। तुम्हें बदलना है अपनी जिंदगी को, तो ये दोस्ती यारी, ये
प्यार मोहब्बत ये जो भी चीजें चल रही हैं अभी इनको बंद कर लो बच्चों, एक बार हो जाए मिलना दोस्तों से यार, एक बार मार्च खत्म होता है मिलो दोस्तों से एकदम, कर लो एकदम जी भर के। देखो मैं ये कहता हूँ कि लाइफ में जो भी करो फुल करो एकदम एक्सट्रीम पे, कोई चीज हल्की फुल्की मत करो, थोड़ा सा पढ़ाई कर ले, थोड़ा सा पढ़ाई करो, जम के जान लगा के आग लगा दो अभी, फिर मस्ती भी ऐसे ही करना कि लोग पागल हो जाएं देख के कि ये तो यार एक्सट्रीम मस्ती कर रहे हैं, तब तुम्हें लाइफ में लगेगा ये लाइफ है ये जी रहा हूं मैं। हल्के हल्के मन में यार करते हो, नींद भी नहीं आती रात में यार, क्या हालत हो रखी है सर। न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, न्यूमेरिकल बताने करने का तरीका बताइए, क्या तरीका है न्यूमेरिकल करने का, क्या जादू, जादू से होगा नहीं होगा यार, जादू तो नहीं होता ना, क्यों होता है, एग्जाम्पल देखो यार और क्या करोगे, यूट्यूब पे वीडियोस देखो और क्या करोगे, बुक्स में सॉल्व इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल होते हैं उनको देख लो चार पांच, उसके बाद लग जाओ जिन जिन न्यूमेरिकल में गोला बनाया था पहली बार उनको सॉल्व करो। अरे सर गोला भी नहीं बनाया, तो किसी दोस्त ने बनाया होगा, कोचिंग के टीचर से पूछ लो, स्कूल के टीचर से पूछ लो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार पांच बता दीजिए हम इसको सॉल्व कर लें, दोस्तों से पूछ लो जिसने सॉल्व कर रखा है, उन न्यूमेरिकल को लगा लो, बहुत टफ है नहीं हो रहा, एग्जाम्पल देखो मेहनत करो दो घंटा दो उस चीज को देख लो, वो एग्जाम में आ भी रही है कि नहीं पहले चेक कर लो, तुम्हें खुद अपनी सक्सेस स्टोरी बनानी है ताकि टॉप करने के बाद तुम लोगों को बताओ कि कैसे पढ़ाई करते हैं, तुम स्ट्रैटेजीज बनाओ, तुम सॉल्यूशंस ढूंढो, नहीं हो रहा है न्यूमेरिकल तो तुम उसकी थ्योरी पढ़ने बैठ जाओ, उसके कंसेप्ट पढ़ो, देख लो कि बोर्ड में आ भी रहे हैं कि नहीं, नहीं आ रहे तो ठीक है इसको बाद में पढ़ेंगे अगर इंटरेस्ट है तो, बाद में पढ़ेंगे अगर इंटरेस्ट है तो, बोर्ड में नहीं आ रहा तो, आ रहा है तो एग्जाम्पल दूर आ रहा है तो फिर कहीं से भी उसको सॉल्व करना है। सर टाइम टेबल बताइए, टाइम टेबल पढ़ो 13 घंटे पढ़ोगे यार तो टाइम टेबल की जरूरत कहां पड़ेगी, 13 घंटे जब तुम पढ़ोगे तुम खुद अपना टाइम टेबल बना लोगे कि हाँ सुबह के टाइम मुझको याद होता है, रात के टाइम पे मैथ्स होती है और दिन के टाइम पे डेरिवेशन वगैरह या जो भी चीजें फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह या अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस वगैरह ये सब दिन में कर ले, याद करने वाली चीजें तो सुबह ही होंगी, उठ के सुबह उठो कॉफी पियो थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, नॉर्मल है सबको पता है, थोड़ा चलो फिर वॉक कर लो एनर्जी रहेगी, तुरंत तैयार हो जाओ सुबह उठकर, ये नहीं कि लूज वूज पड़े हैं गंदे कपड़े पहने, तुरंत तैयार हो मुंह धुलो एकदम बढ़िया बाल बांधो एकदम अच्छे से बैठ जाओ तुरंत पढ़ने सीट पे कुर्सी लेके, एनर्जी रहती है मन में पॉजिटिव कि अच्छे कपड़े पहने मुंह धुलाए साफ है ना, नींद आती रहेगी पढ़ जाओगे बैठ के, ये समझ लो कि तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें कुछ करना है और तुम्हें कुछ करना है,